हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पालिका अध्यक्ष ने ली सूत, मोहम वाटिका निखरेगा स्वरूप, बगीचे का जनाधार हुआ शुरू, जेसीबी की मदद से शुरू की गई सफाई, हरित मास से आच्छादित होगा पार्क, बच्चों बुजुर्गों व महिलाओं के लिए होगी सुविधाएं। नगर पालिका से सटी मोहन वाटिका को मूल स्वरूप में लौटाने का कार्य आज शुरू हुआ। पालिका अध्यक्ष मगननाथ चारण ने संजीदगी के साथ कार्य शुरू करवाया। उनकी मौजूदगी में बगीचे के जनाधार का कार्य शुरू किया गया। जेसीबी की मदद से गंदगी व मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। बगीचे में पेड़ पौधों के साथ फुलवारियां लगाई जाएंगी, साथ ही बच्चों बुजुर्गों व महिलाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। बढ़ती आबादी के बावजूद शहर के बाशिंदे बगीचे जैसी मूलभूत सुविधा से महरूम हैं। कहने को शहर में शांति कुंज पार्क, मोहन वाटिका व गांधी पार्क है, लेकिन सभी बगीचे नाम मात्र के हैं। बगीचों में सुविधाओं का अभाव है। इसी के चलते नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष चारण ने शहरवासियों को बगीचे की सुविधा मुहैया करवाने की दिशा में सकारात्मक पहल की, जिसके चलते नगर पालिका से सटी मोहन वाटिका जनाधार कार्य शुरू किया गया। कबाड़ में तब्दील हो चुकी मोहन वाटिका से कबाड़ को हटाया गया। जेसीबी की मदद से गंदगी व मलबे को हटाने का कार्य शुरू किया गया। मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर निस्तारित किया गया। पालिका अध्यक्ष ने पार्षद अमर सिंह व अर्जुन सिंह के साथ वाटिका में चल रहे जनाधार कार्य का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 3 दशक बाद ली सूत, नगर पालिका कार्यालय से सटी मोहन वाटिका करीब 3 दशक पूर्व हरितमा से आच्छादित थी। बगीचे में फुलवारिया, सुगंधित पुष्प व फुलवारे लगे हुए थे, लेकिन कालांतर में रखरखाव के अभाव में वाटिका कबाड़ में तब्दील होती चली गई। 3 दशक के लंबे अंतराल के बाद वाटिका को मूल स्वरूप में लौटाने का कार्य शुरू होने से लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मगननाथ चारण पालिका अध्यक्ष शाबुरोट, इन्होंने ये कहा। मोहन वाटिका का काफी लंबे समय से ये पेंडिंग पड़े हैं काम, व्यस्त व्यस्त पड़ा, पूरा बंगार टाइप बना रखा था इसको भी नए सिरे से रिनोवेशन करा के बढ़िया, जो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक हो और आस पास में शुद्ध हवा मिले, इसके लिए इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। और भी कोई पार्क शहर के, सभी पार्क जितने हैं उनको सबको डेवलपमेंट करेंगे। जागरूक टीवी के लिए अबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।